नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। झांसी की प्राचीनतम मड़िया महादेव मंदिर का शीघ्र ही जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए विधायक रवि शर्मा के प्रयास के चलते शासन ने 50 लाख की राशि मंदिर को संवारने के लिए स्वीकृत की है। झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने बताया कि मंदिर का मुद्दा उन्होंने शासन के समक्ष रखा था, साथ ही मंदिर परिसर को कब्जा मुक्त कराने के लिए भी विधानसभा में मामला उठाया है। विधायक ने बताया कि हर वर्ष की भांति 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल एवं भव्य शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से भगवान भोले की बारात निकाली जा रही है। बारात सुबह 10 बजे से मुरली मनोहर मंदिर से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार, मालिन चौराहा, जवाहर चौक, मानिक चौक, सिंधी तिराहा, रानी महल, सैयर गेट होते हुए मड़िया महादेव मंदिर पहुंचेगी। यहां शिवजी का भव्य अभिषेक होगा। गौरतलब है कि प्राचीनतम मड़िया महादेव मंदिर की स्थापना गोसाइयों ने 600 वर्ष पूर्व कराई थी। लोगों में मंदिर को लेकर अटूट आस्था है और आसपास के अलावा दूर दराज से भी यहां भक्त शिव जी के दर्शन करने आते हैं। इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी शामिल होंगे और वे शिव जी का जलाभिषेक भी करेंगे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। हम वहां पर आज तक कोई हिंदू जरूर जाने नहीं दिया, लेकिन तमाम लहर के बाद वो शुरुआत हुई, वो शुरुआत की परंपरा के रूप में झांसी के जनमानस के बीच आज मड़िया महादेव का मुक्ति का अभियान संकल्प के रूप में लिया था और